गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले। आज बहुत बड़ा गिव अवे करने वाला है आपका भाई, जो कि आपको काफी पसंद आएगा। ये देख सकते हो हमारे पास है बहुत ज्यादा जो बड़ी चरखी है ना, ये देखो इसका साइज चेक करो, और यहाँ से ये काला सा आपको निशान नजर आ रहा होगा ना हल्का सा, यहाँ तक है ये वाली जो चरखी है ना भरी पड़ी है। डोर के साथ थोड़ी सी इस्तेमाल की है पर ओरिजिनल है, ठीक है, क्योंकि हमने बसंत पे इस्तेमाल की थी। आप में से किसी एक भाई को मिल जाएगी। आप लोगों ने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। इसके बाद आप लोगों ने कमेंट करने हैं अच्छे अच्छे। अगर ये वाले कमेंट 150 से ऊपर चले जाएंगे ना, तो आप में से किसी एक को ये वाली जो चरखी है ना ईजिली मिल जाएगी। तो आज हम जो है ना काइट कैच करेंगे, किस तरह से करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपका भाई आपको सारा कुछ समझाएगा। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा वो भी आपको बताता हूँ। ये वाली हमारी जो चरखी है ना, इसे यहाँ पे रख देते हैं। देखो यार कितना बड़ा साइज है ये वाली जो चरखी है ना, आप में से किसी एक को मिल जाएगी। जो जो आपके भाई ने कहा है ना, वो आप लोगों ने लाजमी से करना है। और धूप देख सकते हो निकल आई है आज काफी दिन के बाद। सुबह वैसे धुंधी थी, फिर भी जो है ना धूप निकल आई है, अच्छी बात है यार, धूपें भी लगनी चाहिए। इसके बाद क्या कर सकते हो, हमारे पास जो है ना टेप आ जाती है, जिससे हमने जो है ना थोड़ा सा चिपकाना वगैरह चीज़ों को, और किस तरह से गुड्डा बनाना है सारा डिटेल से आपका भाई आपको बताएगा कि किस तरह से आप लोग काट कैच कर सकते हो। ये वाली टेप चाहिए आपको। इसके बाद हमारे पास ये धागा है जो नलकी होती है, जो पिछली वीडियो में हमने गिव अवे रखा हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छी नलकी है, और देखो कितना बड़ा इसका साइज है, और अभी मैंने काफ़ी इस्तेमाल की हुई है, ये देख सकते हो आप लोग। आप लोग भी ये विन कर सकते हो जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके ना इन वीडियोज़ के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं बता दूंगा ये चरखी जो किसकी होने वाली है और किसकी नहीं होने वाली। इसके बाद हमें चाहिए ये पत्थर, ये देख सकते हो ये पत्थर पड़ा हुआ है छोटा सा। इस पत्थर को क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ये आप लोगों को लाजमी चाहिए। इसी से जो हमारा गुड्डा है ना वो गोल गोल घूमेगा, और इजीली जो है ना हम कोई भी काइट कैच कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है ना, ये देख सकते हो कैंची है, जिससे हमने कटिंग वगैरह करनी है, जो कि हम जो है ना थोड़ा सा कट वगैरह करेंगे ना चीज़ों को, तो वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपका भाई सिखा देगा। और साथ में हमारे पास है ये फद्दर शल्ला प्लास्टिक बैग वाला, ठीक है, जो छापर का बना हुआ है ना फद्दर शल्ला, इससे हम जो है ना कैच करेंगे काइट को। किस तरह से करेंगे, मतलब कि ये वाला काइट जो है ना हवा में उड़ेगा और फिर आपका भाई यहाँ से तोड़ देगा, और फिर जो हमारा येलो कलर वाला गुड्डा है ना, इससे हम जो है ना शॉपर वाला जो गुड्डा है उसे कैच कर लेंगे। किस तरह से करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। काइट को अच्छे तरीके से सेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो है ना हमारे पास टेप जो है ना, इसे हमने अच्छे तरीके से जो है ना जहाँ से हमारा गुड्डा फटा हुआ है वहाँ से जोड़ना है, कि हवा वगैरह क्रॉस ना हो, हमारा गुड्डा ज़्यादा ना फटे, ठीक है। आप लोग सिंपली जो है ना सीधा सीधा भी गुड्डे को जोड़ सकते हो, जैसे कि ये मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर टेप लगा दी थोड़ी सी। अभी हम क्या करते हैं, ये वाली जो साइड है ना यहाँ पर भी अच्छे तरीके से टेप लगा देते हैं। ये टेप शेप लग गई है, अभी हम क्या करते हैं ये वाली जो साइड है ना यहाँ पे भी जो टेप है ना वो लगा देते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से जो है ना टेपिंग शेपिंग कर दी है। अभी हमने क्या करना है, थोड़ी सी जो टेप है ना और उतारते हैं, और इस वाले टेप को क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा होता है ना यहाँ से हमारा गुड्डा थोड़ा सा जो है ना डैमेज है, यहाँ पे इस तरह से टेप रख के, ठीक है, ये देख सकते हो ये यहाँ पर टेप लगाई ये वाली जगह पर, और यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। ये टेप शेप जो है ना इस वाले हिस्से पे अच्छे तरीके से जो है ना हमने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ी सी टेप और उतारनी है, और इस वाली टेप को यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के ना, ये वाली जो साइड है यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने लगाना है, कि यहाँ से हवा वगैरह जो है ना क्रॉस ना हो, और टेप भी अच्छे तरीके से हमारी लगती जाए, और हमारा जो गुड्डा ना अच्छे तरीके से उड़े, ठीक है, और टेंशन ना हो आप लोगों को गुड्डा उड़ाने में। ये देख सकते हो हमने अच्छी तरह से यहाँ ना टेपिंग शेपिंग कर दी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाले जो हिस्से है ना, आप लोग काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटने तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसे ना थोड़ा सा इस वाली साइड पे फोल्ड करके, ये देख सकते हो यहाँ पे टेप लगाएंगे थोड़ी सी, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे टेप। ये हमने टेप लगा दिया, और यहाँ से थोड़ा सा ना ये पेपर तोड़ लेते हैं, हमें थोड़ा सा काम आएगा ये वाला पेपर ना, यहाँ पे भी हम जो है ना टेप थोड़ी सी लगा देते हैं, ये पेपर यहाँ से हिले ना, और फिर क्या करते हैं ये वाली टेप थोड़ी सी और इस्तेमाल करेंगे, और इस वाली टेप को ना यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो यहाँ पे लगाएंगे ये वाली साइड पे, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाली साइड पे टेप लगा लेते हैं थोड़ी सी, और इसके बाद थोड़ी सी टेप और तोड़ते हैं, और इस वाली टेप को यहाँ पे लगा देते हैं। ये टेपिंग हो गई है, गुड्डा हमारा जो है ना लूंडा बन गया है, लूंडा जो काइट होता है ना वो वाला,
आपके सामने ही है। आप लोग भी जो है ना इस तरह से लूडो कार्ड बना सकते हो इजीली बगैर किसी टेंशन के। अच्छी तरह जो है ना आप लोग इस तरह से इसका जो है ना लूडापन कर लो। और यहाँ से हमने क्या करना है, हमारे पास एक पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर आप लोगों के पास भी होना चाहिए, तो इसी से गुड्डा घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। इस वाले पत्थर को ना मैं थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ, ठीक है, ये देखना, अभी मैं इसे ना तोड़ लूँगा। ये कैंची से मैंने इसे तोड़ लिया, ठीक है, कैंची भी हमारी बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं हुई। यहाँ से इतना सा पत्थर चाहिए, वो थोड़ा बड़ा था, वो डेढ़ तावे गुड्डे के लिए, ये जो है ना तावा आडा पौना गुड्डे के लिए आप लोग इतना सा पत्थर ले सकते हो। इस पत्थर को हमने कुछ इस तरह से ना, ये देख सकते हो, इस तरह से इसका जो है ना छोटी सी पूड़ी बना ली है, ये देख सकते हो, जो फक्की वाली पूड़ी होती है ना उस तरह की पूड़ी बना दी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, टेप लगानी है अच्छे से, ये देख सकते हो, यहाँ पे टेपिंग शेपिंग कर लो। ये हमने टेप कर ली, ये टेप इसलिए लगाई है कि यहाँ से फिर जो है ना हमारी टेप ही टेप को अच्छे तरीके से जोड़ती है ना, आप लोगों को भी इस चीज़ का पता होगा। यहाँ पे टेप लगा के ना थोड़ी सी, ये देख सकते हो इस तरह से, और इस वाली जगह को ना मैं इस तरह से लगा देता हूँ, ये जो टेप है ना, ठीक है, ये हमने टेप लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये चेक कर सकते, यहाँ पे रख के टेप, ठीक है, और इस वाली टेप को जो है ना ये देख सकते हो इस तरह से थोड़ा सा कर देंगे यहाँ पर। और अभी हम थोड़ी सी टेप और उतारेंगे और इस वाली टेप को जो है ना यहाँ पर लगाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखना आप लोग, ये हमने जो है ना चेक कर सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से लगा दिया है। थोड़ी सी टेप और तोड़ लेते हैं और इस वाली टेप को हम यहाँ पे ना इस तरह से लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से आप लोगों ने प्रेस भी करना है। ये जो है ना गुड्डे के नीचे वाली जो साइड है ना बन गई है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी बना लेनी है जैसे कि मैंने बनाई है। अब इसकी जो है ना प्रोफेशनली तलावें डालनी है, तलावे कैसे डालनी है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, और फिर गुड्डा हमारा घूमेगा कैसे वो भी बताता हूँ। उसके बाद हमने थोड़ा सा गुड्डे को ना इस तरह रखना है, ठीक है, ये टेढ़ा करके ना, ये थोड़ा सा इस तरह दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह थोड़ा थोड़ी देर रखना है, ये देख सकते हो इतनी देर ही बहुत है। और अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो धागा है ना इसी से इसकी तलावे डालेंगे, ये देख सकते हो इस तरह से हम जो ये धागा है ना इसे निकाल लेते हैं, ठीक है, डबल नहीं हम ट्रिपल तलावे डालेंगे इसकी कि इजीली हमारा जो गुड्डा घूमेगा। और तलावे आप लोगों ने थोड़ी बड़ी रखनी है कि हमारा जो गुड्डा घूमे और अच्छे तरीके से जो है ना काइट्स को कैच भी करे। ये गुंजल पड़ सकते हैं यहाँ से, अगर मैं सही तरीके से एहतियात नहीं करूँगा तो, ये देख सकते हो हमने यहाँ से ना गुंजल शुंजल इसके जो सारे होते हैं ना वो निकाल लिए, थोड़े से यहाँ पर रह गए हैं, ये जो है ना मेरे ख्याल से नहीं निकलेंगे। यहाँ से इसे ना कैंची से काट लेते हैं, टूटना तो नहीं है, धागा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ से मैंने ना इसे काट लिया, अभी ये धागे को मैं सीधा करता हूँ, ठीक है। ये धागा जो है ना अभी मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे, बाकी कुछ नहीं होता, यहाँ पे रख के हम क्या करते हैं, ये वाला जो धागा है ना इस वाले धागे के साथ आके, ये देख सकते हो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ी सी गिरा लगा देंगे कि यहाँ से धागा सिरके ना, और यहाँ से इस तरह से जो है ना इस वाले धागे को हम ले आएंगे इस वाली साइड पे, ये देख सकते हो यहाँ से हम इसे कैंची से काट लेंगे। काटने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी इसकी अच्छे तरीके से ना गिरा लगा देनी है। ये गिरा लग गई है, ये ट्रिपल धागा हो गया। अब इसके तलावे डालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तलावे डालेंगे कि हमारा जो गुड्डा है ना अच्छे तरीके से उड़ेगा अभी। और ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी नीचे रख के जो है ना तलावे डालनी है, इससे गुड्डा बहुत अच्छे तरीके से घूमता है। ये जैसे मैंने डाली है तलावे, ठीक है, इस तरह ही आप लोगों ने डाल लेनी है। और अभी हमने क्या करना है, तलावे नहीं सुराख किए, ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे ना इस तरह से इस वाली साइड पे जो है ना धागे को गुजारना है। हमने ये गुजार दिया हमने धागे को, और जो है ना इस वाली साइड पर आ जाना है। इस वाली साइड पर आने के बाद क्या करना है, यहाँ से भी इस तरह से जो है ना धागे को गुजार लेना है। गुजारने के बाद हमने क्या करना है, इस वाली साइड पर आना है और यहाँ से हमने गिरा लगानी है एक, और इसके बाद दूसरी गिरा, ये दो गिरा लगा दी हमने, बहुत होती है दो गिरा। इसके बाद हम क्या करते हैं, डाल के चेक करते हैं कि इधर से तलावें डलती हैं या नहीं डलती, ये देख सकते हो नहीं डलेंगी मेरे ख्याल से, तो शायद डलगी, ये देख सकते हो धागा उस वाली साइड पर चला गया था। अभी हम जो है ना इधर से, ये वाला सुराख थोड़ा छोटा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से रख के ना, ये देख सकते हो धागा, और इस वाली साइड पर लेके जाएंगे। ये आ गया धागा हमारा इस वाली साइड पे, और अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो तलावे हैं ना वो सेट करके डालनी है, ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम गिरा लगाएंगे, दो तीन गिरा जितनी आपका दिल करे लगा लो, दो गिरा लगा लिए। अभी ये वाली जो सेंटर वाली गिरा है ना मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ,
क्योंकि अगर आप आप लोग भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कुछ टिप्स, ठीक है। ये देख सकते हो, ये दोनों जो धागे हैं ना, ठीक है, ये दोनों धागे, ठीक है, बराबर आने चाहिए। यहाँ से भी एक गिट का फासला और यहाँ से भी एक गिट का फासला हो, फिर जो है ना इजीली आपके गुड्डे का ना मतलब जो है ना सेटअप ठीक बन जाता है, मतलब गुड्डा सही उड़ता है, तंग नहीं करता, अच्छे तरीके से फ्लाई करता है। आप लोगों ने भी इसी तरह से तलावें डाल लेनी है जैसे कि आपके भाई ने डाली हैं, तो जल्दी से हमारे गुड्डे को उड़ा के चेक करते हैं कि हमारा गुड्डा उड़ने के लायक है या नहीं है। और इस तरह से आप लोग ना इजीली स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कि किस तरह से हम गुड्डे की तलावें डाल सकते हैं, किस तरह से गुड्डे को कैच कर सकते हैं, किसी भी ये वाला गुड्डा हमारा है और इस वाले गुड्डे से हम किसी वाले गुड्डे को कैच कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं जो कि आपका भाई आपको बता देता है। अभी इसे चेक करते हैं कि ये उड़ने लायक बना है या नहीं। हमारा जो काइट है ना हमने रेडी कर लिया, ये देख सकते हो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने गिरा शिरा लगा ली थी, ये देखो इस तरह से ना हमारा ये वाला काइट घूमेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारा जो काइट है ना ये देख सकते हो रेडी हो गया है, और चेक कर सकते हो हमारा जो काइट है ना बहुत ही कमाल का है, जर्मन पेपर में है। ओरिजिनल जो जर्मन पेपर काइट होता है ना वो वाला काइट हमारे पास हाथ लग गया है, और देख सकते हो हवा कितनी ज़्यादा जो है ना तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज चल रही है हवा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि हम जो है ना अभी अपना गुड्डा उड़ाएंगे ना, तो जो गुड्डा कट के आ रहा होगा ना वो जल्दी से कैच भी हो सकता है, जल्दी से गुजर भी सकता है, ठीक है। अभी हम जो है ना अपना ये वाला नहीं, सबसे पहले जो है ना ये वाली जो छोटी फद्दर शल्ला काइट है इसे उड़ाते हैं हवा में, और फिर इसे स्टेबल कर दूंगा मैं, फिर जो है ना ट्राईपोड लगा के आपको कैच करके दिखाऊंगा। कोशिश मेरी यही होगी कि हमारा जो काइट है ना पूरे तरीके से जो है ना कैमरे के अंदर कैप्चर हो जाए, किस तरह से हम कैच करते हैं, किस तरह से नहीं करते, तो जल्दी से जो है ना हम अपनी जो फद्दर शल्ला काइट है ना उसे उड़ाते हैं। हमारी जो ये छोटी वाली काइट है ना अभी आपका भाई इसे उड़ाने वाला है। सबसे पहले इसका जो झप है ना वो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा झप वगैरह पड़ा हुआ है इसका, ये निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग झप झप इसका जो है ना निकाल सकते हो, हवा काफ़ी तेज चल रही है, शोर वगैरह आ रहा होगा, इग्नोर मारना। ये देखो यहाँ पे हम जो है ना इसका जो धागा वगैरह जहाँ पे सेट होता है ना वहाँ पे सेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से यहीं पर होगा। और यहाँ पर जो है ना इसकी गिरा लगाते हैं, इसकी तलावे ना मेरे ख्याल से टूट गई थी, जिसकी वजह से जो है ना ये सही तरह से काम नहीं कर रही हमारी जो काइट है ना। अभी फिर भी जो है ना इसकी जो तलावें शलावें हैं ना वो हम बांध लेते हैं गुजारे लाइफ। ये देखो हमारे हाथ से जो है ना काइट निकल निकल के भाग रही है, कह रही है कि मैंने नहीं उड़ना, बाकी आपका भाई इसे ना इसकी तलावें शलावें पहले सही कर लेता है। थोड़ी सी जो है ना मतलब गिरा शिरा लगा लेते हैं, यहाँ पर ये गिरा लग गई, ठीक है, ये गिरा लग गई है। अभी जो है ना अपने स्टाइल में गिरा लगा लेता हूँ, इससे क्या होगा थोड़ी मजबूती हो जाएगी और काइट जो है ना अच्छे तरीके से उड़ेगी। ये देखो अभी भी जो है ना इसका झप झप जो है ना सही तरीके से निकला नहीं है, मैं फिर निकाल लेता हूँ। ये देख सकते हो अभी निकला है, अभी इसे उड़ाते हैं, ठीक है। हवा में आना शुरू हो गई हमारी काइट, और चेक कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से उड़ रही है हवा में। अभी जो है ना इसे जैसे थोड़ी सी हवा सही तरह से लगती है ना तो इसने आसमान में पहुँच जाना है। ये देख सकते हो ढील छोड़ता जा रहा हूँ मैं, और हमारी जो काइट है ना उस वाली साइड पर उड़ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से ना हवा जो है ना उस साइड की है। और वो देख सकते हो हमारी जो काइट है ना थोड़ी सी तंग कर रही है, इसे मैं सेट करना सिखाता हूँ आप लोगों को, इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले इसे नीचे उतार लिया है, नीचे उतारने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ जो शॉपर होता है ना उस शॉपर को लेते हैं और उससे जो है ना इसे सेट मेट करते हैं, फिर इसे उड़ाएंगे। हमारी जो ये वाली काइट है ना इसे जो है ना दोरे पड़ने हैं इस वाली साइड पे जाने के, हमने इस वाली साइड पे रखना है बिल्कुल सीधी रहे, तो हमने क्या किया है ये वाला शॉपर लिया है। अगर हाँ आपकी काइट इस वाली साइड पे जा रही है यहाँ पे कन्नी बांध दो, और अगर इस वाली साइड पे जा रही है तो यहाँ पे कन्नी बांध दो, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम आएगी। बाकी जो है ना हम ये प्लास्टिक बैग जो है ना यहाँ पे जो हम ये शॉपर लेके आए यहाँ पे लगा लेते हैं कि हमारी जो गुड्डी जो है ना ज़्यादा तंग कर रही थी तो फिर तंग नहीं करेगी। तंग मेरे ख्याल से करना शुरू हो गया क्योंकि इसके तीले के ऊपर ना बाहर आ गया था, उस वजह से शायद तंग कर रही है। बाकी हमने यहाँ पे प्लास्टिक बैग लगा लिया, अभी आपको उड़ा के ना चेक करवाता हूँ साथ ही। ये देख सकते हो इसे मैंने उड़ाना शुरू किया है, बल्कि चल हवा में चल जल्दी से, ये उड़ा के ना चेक करवा देता हूँ मैं आपको। हवा जो है ना थोड़ी कम लग रही है, चल जो है ना रही है हवा। ये देखो हमारी जो काइट है ना उड़ना शुरू हो गई है, अब नहीं तंग करेगी मेरे ख्याल से तो, ठीक है। अभी ये देख सकते हो स्टेबल है हवा के अंदर, शायद आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हो, ठीक है। अब जो है ना सही तरीके से उड़ रही है,
अभी मैं ऐसे थोड़ा सा उड़ाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारी जो ये वाली काइट थी ना, ये जो पड़ी हुई है ठीक है, प्लास्टिक बैग वाली जो भद्दरशला काइट थी, ये काफी ज्यादा जो है ना तंग कर रही थी। अभी आपका भाई नीचे आया था और मैंने सोचा कि ये वाली ले जाती है, ये तंग भी नहीं करेगी और अच्छे तरीके से उड़ भी जाएगी। अभी इसे ऊपर लेके चलते हैं और उड़ाते हैं। ये वाली जो काइट है ना मैं लेके आ गया हूँ, ये उम्मीद है कि हमें धोखा नहीं देगी और सही उड़ेगी। उड़ा के चेक कर लेते हैं यार। ये देखो अभी मैंने ना इसे उड़ाना शुरू किया है ठीक है, ये वाली हमारी जो काइट है ना, अभी ये इसे भी मेरे ख्याल से शायद कोई दौरा ना पड़ जाए। हवा जो है ना कभी इस तरफ हो जाती है, कभी उस तरफ हो रही है, पता नहीं क्या सीन है। अकेले से जो है ना मुश्किल होती है काम करने में ठीक है। बाकी हमारी जो काइट है ना हमने थोड़ी सी उड़ा ली है और ये वाली काइट बिल्कुल भी तंग नहीं करी और अच्छे तरीके से जो है ना आसमान के अंदर उड़ रही है। अभी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाऊं अच्छे तरीके से कि किस तरह से आप लोग भी अपनी जो काइट है ना उड़ा सकते हो ठीक है, पेचे छेचे लगा सकते हो और सारा सीन जो है ना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। अभी सबसे पहले मैं अपनी जो काइट है ना इसे थोड़ा सा उड़ा लेता हूँ कि ये हवा में अच्छे तरीके से जो है ना स्टेबल खड़ी रहे और फिर हम इजीली जो है ना इसे कैच कर पाए। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ना उसे उड़ाता जा रहा हूँ, ये देख सकते हो तुनके दे दे के ना आप लोग भी अपनी काइट को उड़ा सकते हो। बहुत सिंपल होता है यार प्लास्टिक बैग वाली जो काइट है ना उसे उड़ाना, ये तो इजीली उड़ जाती हैं, ये तो कम हवा में भी जो है ना उड़ जाती हैं, तंग नहीं करती। मसला जो है ना थोड़े बड़े गुड्डों का होता है जो कि है ना थोड़ा तंग भी करना शुरू हो जाते हैं और अच्छे तरीके से उड़ते भी नहीं है। अभी हमारी जो काइट है ना उड़ गई है काफ़ी ज़्यादा, इसे थोड़ा सा और उड़ा लेता हूँ फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ और फिर इसे कैच भी करेंगे। तो दोस्तों चेक कर सकते हो ये जो नीले पन्ने वाली गुड्डी उड़ रही है ना ये हमारी है। हमारी जो दूसरी काइट थी ना वो भी तंग करना शुरू हो गई थी, इसलिए जो है ना मैंने ये वाली काइट उड़ा ली। ये आप लोगों को हल्की हल्की नज़र आ रही होगी पर इसका जो कलर है ना आसमान के साथ रल गया है, मतलब मिल गया है और देख सकते हो किस तरह से उड़ रही है। अभी हमारा जो दूसरे वाला काइट है ना जो येलो कलर वाला काइट है उसे उड़ाते हैं और इसे कैच करने की ना ट्राई करते हैं कि किस तरह से हमने कैच करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो काइट है ना वो छोटी सी वो आगे उड़ रही है, वो आप लोगों को मुश्किल से कैमरे में नजर आएगी। जब ये काइट उसके पास जाएगा ना फिर आपको सही तरीके से नजर आ जाएगी और किस तरह से खींच के लाना या कैच करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो हमारा ये वाला काइट है ना इसे उड़ाते हैं तो ये देखना अभी हमारा जो काइट है ना घूमना शुरू हो जाएगा हवा के अंदर जाते ही ठीक है। इससे पहले ना मैं थोड़ा सा उड़ा लेता हूँ फिर जो है ना इसे मैं घुमाऊंगा, नहीं तो यार अच्छा नहीं लगेगा कि यहीं पे घुमाना इसे शुरू कर दूँ। और यहाँ पे ना हवा भी थोड़ी कम लग रही है इस वाले गुड्डे को ना हमारे ठीक है। अभी ये देख सकते हो इस तरह से घूमेगा हमारा गुड्डा और उस वाली गुड्डी को जो है ना कैच करके लाएगा बड़े अच्छे तरीके से ठीक है। ये देखो अभी मैं ना इसे उठाता हूँ और ये देखो हमारा गुड्डा ना बिल्कुल जो है ना ऊपर स्टेबल उठ रहा है ठीक है। अभी पेचा लग गया था हमारी गुड्डी के साथ, बाकी जो है ना हम इसे उड़ाते हैं थोड़ा सा और उस गुड्डी को ना फिर खींच के लाते हैं अपने पास। दोस्तों हमारा जो येलो कलर वाला काइट है ना वो आपके भाई ने काफ़ी ज़्यादा उड़ा लिया है। पहले जो है ना मैं इसे उड़ाऊँगा वो उस गुड्डी के पास तक ठीक है, फिर वहाँ से ना अच्छे तरीके से कैच हो जाएगी, इसके अंदर जो है ना गुड्डे के अंदर रल जाएगी गुड्डी ठीक है, और फिर इजीली जो है ना हम उसे खींच के ला सकते हैं ठीक है। खींचे मिचाई कर सकते हैं, गुड्डा कैच कर सकते हैं इसे आप लोग कह सकते हो। बाकी जो है ना मैं अपने गुड्डे को ना नीचे से उड़ाता जा रहा हूँ ठीक है। ये देखो हवा लगती है और हमारा जो गुड्डा ना कहाँ पे पहुँच जाता है। अभी ये देखो इसे मैं थोड़ा सा और उड़ा लेता हूँ, अभी उड़ा लिया मैंने, अभी अपनी गुड्डी की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारी गुड्डी है ठीक है, इस वाली गुड्डी को ना हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके साथ ना रोल एंड रोल करना शुरू कर देते हैं। ये देखो इसका जो धागा है ना इसके साथ रोल एंड रोल होना शुरू हो गया था, अभी जो है ना फिर से निकल गया है। दोबारा से करते हैं ठीक है, यहाँ पे रख के ना ये देखो ठीक है, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा ना ऊपर उठाता हूँ, ये ना वो हमारा गुड्डा काट गया या गुड्डी काट गया। बाकी जो है ना मैंने उसे ऊपर उठाना शुरू किया है ठीक है। ये देख सकते हो हमारा जो पेचा टाइप है ना वो लग गया। अभी मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, गुड्डी के पास लेके चलता हूँ। ये हमारी गुड्डी यहाँ पे है ठीक है, यहाँ पे जो है ना गुड्डी के साथ मैंने पेचा तो कर दिया है, बाकी जो है ना यहाँ से इस वाले गुड्डे को घुमाता रहता हूँ ठीक है, इसके साथ अच्छे तरीके से ठीक है। ये देखो हमारी जो गुड्डी है ना यहाँ पे है ठीक है, अभी जो है ना मैं घुमाता भी जा रहा हूँ और जो है ना पेचा भी हुआ हुआ है, वो गुड्डा हमारा नीचे की साइड पर जा रहा है। बाकी जो है ना मेरा ख्याल है यहाँ से हमें ना गुड्डी को तोड़ देना चाहिए और फिर अच्छे तरीके से कैच हो सकती है। ये मैं क्या करता हूँ अपनी गुड्डी को ना तोड़ लिया हाथों से ठीक है। अभी इसके साथ ना मैं इसे क्या करूँगा यहाँ से ना छोड़ दूंगा गुड्डी को ठीक है, और फिर जो है ना गुड्डी अच्छे तरीके से कैच हो जाएगी। ये अब छोड़ता हूँ गुड्डी को ठीक है, वो छोड़ दिया, गुड्डी हमारी जो है ना आगे वाली साइड पे जा रही है। मेरे ख्याल से ना साथ ही कैच भी हो गई है, हाँ कैच हो गई है, ये देख सकते हो आप लोग। अभी दोबारा से घुमा लेते हैं अच्छे तरीके से जो है ना ठीक है, फिर ही जो है ना मज़ा आएगा। ये मैंने घुमा लिया, अभी जो है ना गुड्डी कैच हो गई है। अभी इस वाली गुड्डी को ना मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारता हूँ, अपने पास लेके आता हूँ
हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना नीचे वाली गुड्डी को कैच कर लिया और ऊपर हमारा जो गुड्डा है ना ऊपर वाली साइड पे है। ठीक है, अभी इसे मैं ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारता हूँ और गुड्डे को भी ध्यान से उतारेंगे कि गुड्डी हमारी ना नीचे गिर जाए या गुड्डा हमारा ना नीचे गिर जाए और यहाँ से कैच हुआ था। और अभी मैं ना सबसे पहले ये पकड़ लेता हूँ, ये ठीक है, यहाँ से मैंने पकड़ पकड़ लिया। अभी अपना गुड्डा और गुड्डे को उतारना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी ना हम क्या करते हैं, ये वाली जो काइट है ना दोनों को इकट्ठी नीचे उतारते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं सबसे पहले जो है ना जो सी काइट पास आ जाएगी ना उसे उतार लूँगा। कोशिश ये होगी कि हमारा जो वो वाला काइट है ना ये येलो कलर वाला इसे मैं नीचे उतारूँ क्योंकि ये घूमेगा और नीचे भी गिर सकता है। बाकी देखो बड़े अच्छे तरीके से घूमता है हमारा ये वाला काइट। और जो है ना अभी मैं इसे स्टेबल करके नीचे उतारता हूँ, लेना हो के नीचे गिर जाए। मैं क्या करता हूँ कि ये हमारी जो प्लास्टिक बैग वाली काइट है ना इसे मैं ना यहाँ पे बांध देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे ना बांध देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसे बांध दिया है। अब इजीली जो है ना मैं अपना येलो कलर वाला काइट नीचे उतार सकता हूँ। ये देखो हमारा जो येलो कलर वाला काइट है ना इसे मैं नीचे उतार रहा हूँ और हमारा जो येलो कलर वाला काइट है ना थोड़ा सा नीचे है और अभी मैं ना इसे उतार लेता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ से ना झप खाई जा रहा है हमारा गुड्डा, पर इसे मैंने उतार लेना है क्योंकि ये जो होते हैं ना काइट घूमने वाले ये इसी तरह करते हैं। अभी ये देखो हमारे पास आ गया हमारा काइट, इसे मैं जल्दी से जो है ना नीचे अपने पास ले आता हूँ। ठीक है, ये देखो घूम ही जा रहा है। अभी मैंने ना इसे नीचे उतार लिया, इसे यहाँ पे रख देते हैं। और हमारी जो ये प्लास्टिक बैग वाली काइट है ना इसका धागा भी यहाँ से तोड़ लेता हूँ। हमारी जो ये प्लास्टिक बैग वाली काइट है ना अभी आपका भाई इसे उतार रहा है, ये भी काफ़ी भारी काइट है। बाकी इसे नीचे उतार लेते हैं, ये देखो जल्दी जल्दी आपका भाई ना इसे नीचे उतार रहा है। अभी ये देखना इसकी झोंके चेक करो यार काइट की जो है ना। ठीक है, ये बड़ी लंबी झोंके मार रही है और अच्छा जो गुड्डा ना शॉपर का हमने बनाया हुआ था इसे उड़ाया था, ये अलियान भाई ने बनाया था इसलिए यार ये कमाल का भी बना है। अलियान भाई को भी काइट बनाने आए गए, आखिरकार जो है ना अच्छे अच्छे काइट बना लेते हैं अलियान भाई भी। तो हमने जो है ना अपनी वो वाली गुड्डी भी नीचे उतार लिया और ये वाला गुड्डा भी नीचे उतार लिया और इस तरह से आप लोग इजीली जो है ना कैच काइट कर सकते हो। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने काइट को कैच किया था इस तरह से आप लोग भी काइट को कैच कर सकते हो। हवा यार बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, पर जो है ना हवा ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ तक जहाँ तक झंडा है ना वहाँ से हवा लगना जो है ना अच्छी तरह से शुरू हो जाती है। हमारा काइट यहाँ पे पड़ा हुआ है, धागे शागे भी जो है ना यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। अभी मैं ना इन्हें उठा दूंगा, ठीक है, धागे वगैरह को सारा कुछ ना ये उठा के साइड पे कर देंगे। तो आप लोग यार लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो चरखी है ना उसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वो किस तरह की चरखी है, सही है भी या नहीं है, सारा कुछ डिटेल्स है ना आपको पूरा इस वीडियो में आपका भाई बता देगा। तो जल्दी से जो चरखी है ना उसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारा जो धागा है ना, ठीक है, धागा उधर पड़ा है, मैं उसे उठा के लाता हूँ। ये देखो यार धागा जो है ना आपका भाई उठा के ले आया है। ये वाला जो धागा है ना, ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में ना गिव अवे किया था, कोई भी लेने के लिए नहीं आया। ठीक है, किसी ने भी जो है ना जिसका निकला था ना गुज्जर था, अब्दुल्ला गुज्जर, उसे आपके भाई ने जो है ना दे देना था गिव अवे, पर उसने भी रिप्लाई नहीं किया। आज 2 दिन हो गए हैं रिप्लाई नहीं किया उसने, तो फिर मैं उसे कैसे दे दूँ यार। अगर रिप्लाई करेगा तो उसे मिलेगा ना। तो अभी मैं सोच रहा था जो वो वाला गिव अवे है ना, जिसने ज़्यादा कमेंट किया हुआ है ना, जो कमेंट कर रहा होगा, ठीक है, आज मैं ना एक कम्युनिटी में पूल बनाऊँगा, वहाँ पे पूछूंगा जिसको वो गिव अवे चाहिए वो मैं दे दूंगा। ठीक है, ये करूंगा, या जो मुझे कमेंट पहले कर देगा उसे गिव अवे मिल जाएगा। फिर उस भाई को कहेंगे कि यार हमें जो है ना वीडियो बना के भेजिए कि हमने जो है ना यूट्यूब चैनल पे लगानी है, बताएंगे कि उसने जो है ना गिव अवे रिसीव कर लिया था। बाकी हमारा जो ये वाला है ना, ये देखो काइट के काम चेक करो, यहाँ पे उड़ के आ रहा था, इसे जो है ना मैं यहाँ पे जो है ना रख देता हूँ, पेपर रोल ऊपर रख देते हैं। ये वाला जो धागा है ना, अभी चरखी के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो ये वाला धागा है ना हमारा, इस वाले धागे के बारे में बताता हूँ। अक्सर जो है ना इस तरह से सिरा भी गुम हो जाता था धागों का, तो उससे ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ना इस तरह करते जाना, ये देख सकते हो इस तरह से हाथ फेरते जाना इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ से जो है ना इजीली आपको सिरा मिल जाएगा। इस तरह से आप सिरा ढूंढ सकते हो। इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे गुंजल छुंजल है, इन गुंजलों को निकालने के लिए क्या करना है, ये देखो इस तरह से गुंजल पकड़ो, इस गुंजलों को ना ये देखो इस तरह से निकालते जाओ, ये थोड़े से रह गए,
इन्हें भी निकाल देते हैं आपके सामने लाइफ, ठीक है। ये आपके सामने गुंजल शुंजल जो है ना सारे निकाल दिए, कहीं पे देख सकते हो नहीं है ना, बिल्कुल सेट हो गया धागा। इस तरह से आप लोग ना ये सारे गुंजल निकाल सकते हो। अभी ये फेंक देते हैं दूर। इसके बाद हमारे पास ना ये वाली चरखी आ जाती है, इसका साइज चेक करो, मतलब के बाहर ये देखो बहुत ज्यादा यार ये वाली भारी है चरखी। इसके अंदर कम से कम ना अभी भी किलो है जो धागा है ना, किलो धागा इसके अंदर है, इसलिए जो है ना नीचे जल्दी से आती है। यहां तक धागा भरा हुआ है और यहां जाके चरखी ना ये वाले हिस्से पे इतना ज्यादा इसके अंदर, मतलब इतना मोटा धागा अभी पड़ा हुआ है, इतना साइज है। और लंबाई चेक कर सकते हो आप लोग, इधर से भी उतना साइज है, उधर से भी उतना साइज है। इधर मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखो कितनी ज्यादा यार ये मोटी है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, आपके सामने ही है, ये सारी नजर आ रही होगी आपको, चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको तोड़ के चेक करवाता हूँ, नहीं टूट रही यार, मजबूत बहुत ज्यादा हाथों में यार लग रही है। और इसके ऊपर जो है ना कांच, जो है ना कांच जो होता है वो भी काफी ज्यादा है, ये देख सकते हो कांच इसके ऊपर हल्का हल्का आपको शायद चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। और जो है ना काफी जल्दी गर्म भी हो जाती है, इससे मैंने बहुत ज्यादा गुड्डे काटे थे। कम से कम इसी मतलब डोर से ना मैंने बसंत पे कम से कम कितने काटे थे, 21 गुड्डे काटे थे इस वाली डोर के साथ। और आप लोगों को मैं ये फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। ये देख सकते हो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये कितनी मजबूत है, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो धागा जो है ना कट गया। अभी जो है ना सही तरह से मुझसे जो है ना मतलब काटा नहीं गया, मुंह के साथ लगा हुआ था मैं काटने के लिए इसे, तो ये वाला जो धागा ना बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा भरा हुआ भी है, चेक कर सकते हो आप लोग। इस धागे से ना आप लोग इजीली गुड़ियां शुड़ियां काट सकते हो और बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसा आपका भाई दिखा रहा है वैसे ही होगा, चेक कर सकते हो आप लोग। धागा देखो कितना यार यूनिक और लेवल का है, बिल्कुल परफेक्टली धागा आपका भाई ये आप लोगों को गिव अवे दे रहा है फ्री के अंदर। सिर्फ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। 150 से ऊपर कमेंट हो गए ना आपको ये धागा मिल जाएगा, ये देख सकते हो, नहीं टूट रहा यार, ये देखो हाथों के अंदर ना गड़ता है, ठीक है, मतलब के निशान पड़ जाता है वहां पे, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये निशान जो है ना, ये देखो ये इसी का है, ठीक है। अभी ये देखना, ये देखो ये इसी के निशान ही पड़ते हैं। ये जो डोर है ना काफी ज्यादा मतलब मजबूत है, काफी ज्यादा मकदार में आ जाती है। अभी मैं आपको ना एक और चीज चेक करवाता हूँ, ये देखो ये धागा देखो, और ये देखो धागा देखो कितना बारीक लग रहा है। कम से कम कोई 5-6 धागे बने ना फिर जाके जो है ना ये इसका हिस्सा बनता है इतना सा, नहीं तो नहीं बनता, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत डोर है। अभी मैं और भी चेक करते हैं इसे कि कितनी मजबूत है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये, नहीं तो बाजुकात इस तरह करने से जो डोरे हैं ना वो टूट जाती हैं, ये नहीं टूट रही। ये देखो यहाँ से इसका थोड़ा सा ना कलर उतरा है, ये दीवार के साथ रगड़ के ना मेरे ख्याल से उतर गया होगा। बाकी जो है ना बहुत ही लेवल की यूनिक जो है ना ये वाली डोर हमारे पास आ जाती है, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सफ़ेद जो धागा होता है ना सुबड़ वो नज़र आ रहा है, सुबड़ के ऊपर इन्होंने मांझा छांझा लगाया हुआ है अच्छे तरीके से कि यार कोई पेचा शेचा लगाए तो गुड़ियाँ शुड़ियाँ काट देगा। ये देखो कैमरे में भी जो है ना, ठीक है, पूरी तो आ रही है पर पीछे कर रहा हूँ ना फिर छोटी हो रही है। यहाँ पे आप लोग चेक करो कि इसका साइज कितना बड़ा होगा, ये देखो पूरी एक गिट्ठ जो है ना, एक गिट्ठ हाथ की जो एक गिट्ठ होती है उस तरह इसका साइज है, ठीक है, और मोटी जो है ना, ठीक है, आधी गिट्ठ से ज़्यादा है, ठीक है, ये देख सकते हो इतनी ज़्यादा जो है ना मोटी है ये चरखी, देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये देखो बिल्कुल इतनी ज़्यादा मोटी चरखी है ये आपका भाई आपको दे रहा है। ये देखो इसमें से मैं शायद नज़र आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे होगे, और ये वाली चरखी लाजवाब है। इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये पता नहीं कौन से हैं, मेरे ख्याल से जो है ना ये 22 नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर 22 नंबर ज़्यादा लिखा हुआ है, ये 22 नंबर है या 24 नंबर इस तरह का कुछ है शायद, हाँ शायद ये 22 से लेके ना 25 नंबर तक है, मुझे कुछ पता नहीं है ज़्यादा इसके बारे में। एक बारीक होती है डोर वो भी काफ़ी अच्छी होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो है ना अभी मैं आपको कैंची से काट के चेक करवाता हूँ ये जल्दी कटती है या देर से कटती है, ये देखना, ये कैंची ने तो यार इजीली इसे काट दिया है,
ये देखो यहाँ पे जो है ना इसका सुबड़ सा शायद आपको नजर आए ना आए, नहीं नजर आएगा क्योंकि फोकस नहीं कर रहा कैमरा ना इतनी सी छोटी सी चीज के ऊपर। ये देखो इसको मैं काटता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ये आपके सामने कटती जा रही है यार, बारीक है और ज्यादा मोटी नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हो बारीक है। इससे डेढ़ तावा ढाई तावा गुड्डा इजीली उड़ जाता है, आपके भाई ने उड़ाया हुआ है, पीछे की हैं 21 गुड्डे एक गुड्डे के साथ काटे थे और फिर जाके हमारा गुड्डा बो हुआ था। ये इतनी लेवल की चरखी है, आपने इस वीडियो को आधा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, आप में से किसी एक भाई की ये होने वाली है, ठीक है, जो कमेंट करेगा ना अच्छा, ठीक है, उसे मिल जाएगी। और जो है ना रिप्लाई लाजमी से कर दिया करो, आप लोग रिप्लाई नहीं करते तो मैं आप लोगों को कैसे दे दूंगा यार, ये तो बताओ, रिप्लाई करोगे तो मिल जाएगी। ये देखो इसका साइज और इसका साइज चेक करो, ये इसके सामने छुटकू सी लग रही है पर ये धक्का भी बहुत ज़्यादा है, पर ये इसके सामने बिल्कुल छोटी सी लग रही है, ये एक और यहाँ पे दो हों तो फिर इसका जो साइज ऊपर वाली साइड पे बनता है, और चौड़ियाँ कितनी होंगी, एक दो तीन चार, अगर ये छोटी नलकियाँ हो ना फिर जाके इसका जो है ना मोटे वाला साइज बनता है। आप लोग देख सकते हो ये कितनी लाजवाब चरखी है यार, कमाल की लेवल की चरखी है, क्योंकि मैंने इससे पेचे किए थे और बहुत गुड्डे काटे थे। ये जो चरखी है ना आप में से किसी एक की हो जाएगी, जो ज्यादा से ज्यादा ना इस वीडियो पे कमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसको ये मिल जाएगी, ठीक है। जो ज्यादा मेहनत करेगा ना वीडियो के ऊपर उसे जो है ना ज्यादा से ज्यादा मतलब उसे ही चरखी मिल जाएगी, क्योंकि जो है ना ज्यादा कमेंट करने वाला जो ज्यादा सपोर्ट करता है ना तो फिर यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसे पकड़ लेता है और फिर जो है ना उसका जो नाम है ना निकला आता होता है, फ्री में आपको ये गिव अवे मिल रहा है। इतनी भरी चरखी दे रहा हूँ यार, आप लोग ले लो ना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। 150 से ऊपर कमेंट्स आएंगे तो आप में से किसी एक को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। जब 150 से ऊपर कमेंट्स जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो है ना गिव अवे में आपका भाई ये वाली चरखी दे देगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ओके फिर।